किसी भी फिल्म को देखते समय यदि घड़ी पर निगाह जाए तो यह लक्षण फिल्म के लिए अच्छा नहीं रहता। इंद्र कुमार द्वारा निर्देशित फिल्म ग्रेट ग्रैंड मस्ती देखते समय तो लगता है कि घड़ी बंद ही हो गई है। मस्ती तो दूर, फिल्म देखते समय सुस्ती छा जाती है और 2 घंटे किसी कैद से कम नहीं लगते। मस्ती सीरीज की तीसरी फिल्म में वही 3 किरदार हैं, अमर, प्रेम और मी। सेक्स लाइफ से असंतुष्ट हैं। अमर की बीवी हाथ नहीं लगाने देती। प्रेम की साली और मीत का साला कबाब में हड्डी है। परेशान होकर ये दूधवाड़ी गांव जाने का फैसला करते हैं, जहां अमर की पुरानी हवेली है। हवेली में तीनों दोस्तों की मुलाकात शबरी से होती है, जो बेहद खूबसूरत और सेक्सी है। शबरी को देख अमर, प्रेम और मीत की लार टपकने लगती है। तीनों के यह जानकर होश उड़ जाते हैं कि शबरी एक चुड़ैल है। तीनों में से किसी एक के साथ संबंध बनाकर वह मुक्ति चाहती है, साथ ही वह जिसके साथ संबंध बनाएगी उसकी मृत्यु हो जाएगी। किस तरह से चुड़ैल के चंगुल से ये मनचले मुक्त होते हैं, यह फिल्म का सार है। गांव की घोड़ी के साथ ख, ख, ग, फा करेंगे। इस बेतुकी और बेसिर पैर कहानी को तुषार हीर नंदानी ने लिखा है। मधुर शर्मा और अभिषेक कौशिक ने इस पर ऐसा स्क्रीन प्ले लिखा है कि लॉजिक तो छोड़िए, जरा सा भी दिमाग नहीं लगाया गया। आश्चर्य यह है कि निर्देशक इंद्र कुमार इस पर फिल्म बनाने को तैयार हो गए और निर्माता पैसा लगाने को। घटिया चुटकुलों से कहानी को आगे बढ़ाया गया है। इससे बेहतर चुटकुले तो व्हाट्सएप पर पढ़ने को मिल जाते हैं। हर किरदार बेवकूफ है और बेवकूफी करता रहता है, इसे ही हाथ से समझ लिया गया है। थोड़े समय बाद ही यह कहानी हाँफने लगती है और किसी तरह आगे बढ़ाकर करवा चौथ जैसी परंपरा का तड़का लगाकर इसे खत्म किया गया है। दो कोड़ी की कहानी और स्क्रीन प्ले पर इंद्र कुमार ने बकवास फिल्म बना डाली है। ग्रेट ग्रैंड मस्ती में कॉमेडी के साथ हॉरर जोड़ दिया गया है और यह दर्शकों के साथ ट्रेजेडी है। अपने निर्देशन के जरिए इंद्र कुमार फिल्म को मनोरंजक नहीं बना पाए। एक हवेली में ही उन्होंने फिल्म को पूरा कर डाला। ऐसा लगा मानो सुपर नानी के पिटने का बदला वे दर्शकों से चुन चुन कर ले रहे हों। जहां आप बोलोगे वहां करूंगी, जैसे आप कहोगे वैसे करूंगी। बस कर पगली, जॉइनिंग के दिन प्रमोशन लेगी क्या? सारे कलाकारों ने घटिया अभिनय किया है। विवेक ओबेरॉय मिसफिट लगे। उनका अभिनय देख लगा कि उन्हें खुद अपने रोल पर यकीन नहीं है। द्विअर्थी संवादों और हरकतों वाली फिल्मों में सदैव रितेश देशमुख की डिमांड रहती है। यहाँ भी उन्होंने जानी पहचानी हरकतें अभिनय के नाम पर की है। आफताब शिवदासानी की गाड़ी इसी तरह की फिल्मों के जरिए चल रही है। एक्टिंग करना तो वे कब के भूल गए हैं। उर्वशी रोटेला हॉट लगी हैं, लेकिन एक्टिंग से उनका दूर दूर तक नाता नहीं है। अन्य कलाकार चीखते चिल्लाते नजर आए। ऐसा हवन करूंगा कि वो खुद अपनी ठलक से जाएंगे भाग। गीतों के नाम पर शोर है, तकनीकी रूप से फिल्म कमजोर है। निर्माता ने जहां तहां से पैसे बचाए हैं। फिल्म का एक पात्र बोलता रहता है कि ये क्या भूतियापा है। फिल्म देखने के बाद दर्शकों के मुंह से भी इससे मिलता जुलता शब्द निकलता है। इस फिल्म को मैं 5 में से आधा स्टार देता हूं।